पाठ 13 बुद्धि और विद्या। चार मित्र थे, चारों पढ़ने के उद्देश्य से घर से निकले थे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार एक व्याकरण पढ़ने लगा, दूसरे ने ज्योतिष विद्या, तीसरे ने वैद्य की विद्या ली तथा चौथे ने न्याय की विद्या ग्रहण की। खूब पढ़ने के बाद वे अपने गांव की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में एक नगर आया। दोपहर के कारण धूप बहुत तेज थी। सभी मित्रों ने आराम का निश्चय किया। वे चारों एक धर्मशाला में ठहर गए। उस नगर का राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। राजा ने चारों मित्रों के लिए खाने पीने का सामान एवं कुछ रुपए नकद भेज दिए, जिससे चारों मित्र जो चाहे खरीद कर प्रयोग कर सकें। इन मित्रों के पास एक घोड़ी थी। उस पर उन्होंने अपने बिस्तर, पुस्तकें तथा पूजा पाठ आदि का सामान लाद रखा था। चारों मित्रों ने तय किया कि हमें अपने अपने काम अलग अलग बांट लेने चाहिए। ज्योतिष ने कहा, मैं घोड़ी चरा लाऊंगा, यदि खो भी गई तो ज्योतिष विद्या से जान लूंगा कि कहाँ गई है। वैद्य बोला, साग सब्जी मैं खरीद लाऊंगा, क्योंकि मैं उनकी सही जान पहचान कर सकता हूँ। न्याय जानने वाले ने कहा, घी मैं खरीद लाऊंगा। व्याकरण के विद्वान ने कहा, रसोई मैं बनाऊंगा ताकि सबको भरपेट खाना मिल सके। न्याय वाले ने बाजार से घी खरीदा। चलते चलते वह सोचने लगा, बर्तन के सहारे घी टिका है या घी के सहारे बर्तन। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बर्तन उल्टा करके जांच की तो सारा घी नीचे गिर गया। वैद्य जी सब्जी लेने बाजार गए। तोरी, भिंडी, करेले, परवल, बैंगन, कद्दू, मटर, पालक, आलू आदि बिक रहे थे। उनमें कोई ना कोई वह दुर्गुण निकालते रहे और बिना कोई सब्जी खरीदे वापस लौट आए। रास्ते में एक स्त्री नीम की पत्तियां बेच रही थी। वे हरी थीं, सब प्रकार से ठीक तथा ताजा थी। वैद्य जी ने सब पैसे देकर नीम की पत्तियां खरीद ली। वे खुश थे कि नीम में एक भी दोष नहीं है। व्याकरण के पंडित ने दाल चावल मिलाकर पतीली चूल्हे पर चढ़ा दी। जब खिचड़ी पकने लगी तो खद बद की आवाज होने लगी। उन्होंने अशुद्ध है सत्यवंद होना चाहिए ऐसा कहते कहते उसने कड़छी से पतीली को पीटना शुरू कर दिया। फिर भी जब वही आवाज आती रही तो व्याकरण के पंडित सह न सके। उन्होंने पतीली ले जाकर कूड़े में उलट दी। जब आवाज बंद हो गई तो पंडित जी को चैन पड़ा। बचे ज्योतिषी जी, घोड़ी चराने ले गए थे। पीपल की शीतल छाया देखकर वे आराम करने लगे। उन्हें वही नींद आ गई। घोड़ी चरती चरती पहाड़ी पर चढ़ गई। थोड़ी देर के बाद वह दूसरी तरफ उतर गई। ज्योतिषी जी की जब नींद खुली तो घोड़ी वहां नहीं थी। ज्योतिषी जी हंसकर बोले, जाएगी कहां, अभी ज्योतिष विद्या से पता लगा लेता हूं। उन्होंने ज्योतिष विद्या से जान लिया कि घोड़ी पहाड़ी की दूसरी तरफ उतर गई है। अब तक वह न जाने कितनी दूर चली गई होगी, अब उसका पीछा करना बेकार है। ऐसा सोचकर वह वापस धर्मशाला लौट गए। चारों मित्रों ने एक दूसरे को अपनी आपबीती सुनाई। वे बिना भोजन किए ही संतोष करके सो गए। थोड़ी देर बाद राजा के सेवक ने उन्हें जगाया और कहा, चलो, राजा ने दरबार में तुम्हें बुलाया है। सेवक ने देखा कि घोड़ी वहां नहीं है और खिचड़ी की पतीली उल्टी पड़ी हुई है। उसे भोजन का भी कहीं निशान दिखाई नहीं दिया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने भोजन बनवाकर धर्मशाला भेजा। भोजन करके वे राज दरबार में गए। राजा ने उन चारों मित्रों को समझाते हुए कहा, विद्या का ये अर्थ नहीं कि तुम बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दो। विद्या बड़ी है, परंतु बुद्धि उससे भी बड़ी है। जो भी काम करो भली प्रकार सोच समझ कर करो। यदि बिना सोचे विचारे काम किया जाए तो कभी सफलता नहीं मिल सकती।
इसलिए पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी बहुत आवश्यक है। यह सुनकर चारों मित्रों की आंखें खुल गई।